स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राजील, सी भारत, डी चीन। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, एम्बर रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन जाएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 को बिजली उत्पादन पर दुनिया के पहले खुले डेटा सेट के साथ जारी किया गया, जिसमें 92% वैश्विक बिजली मांग का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 देशों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? ए बजरंग पुनिया, बी जितेंद्र कुमार, सी विजय दहिया, डी दीपक कुमार। आंसर ए बजरंग पुनिया। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था संयुक्त विश्व कुश्ती UWW ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने बजरंग की ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपए की मंजूरी किए है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? ए मलेशिया, बी वियतनाम, सी फ्रांस, डी श्रीलंका। आंसर डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पहल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। ये योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ए ईरान, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। आंसर बी मालदीव। एक्सप्लेनेशन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनिया विमान का संचालन कर रहे थे। मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लिखित 4 धाम यात्रा का हिस्सा है? ए महाबलीपुरम, अमरनाथ, सोमनाथ और बद्रीनाथ, बी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, सी तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी और केदारनाथ, डी रामेश्वरम, द्वारका, पुरी और केदारनाथ। आंसर बी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। एक्सप्लेनेशन, सर्दियों के दौरान 6 महीने बंद रहने के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई 2024 को फिर से खुल रहे हैं। 4 धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हो रही है।